जादुई मोबाइल फोन के पेड़ का जादू। बहुत समय पहले किसी गांव में बादल शर्मा अपनी पत्नी निशा और एक बेटी सोना के साथ रहता था। बादल शर्मा चाइनीज फोन को सस्ते दाम में खरीद कर उसमें अपना मुनाफा जोड़कर गांव में बेचता था। चाइनीज माल की क्वालिटी देखकर लोग बादल की बातों में जल्दी आ जाते थे और उससे महंगे दाम पर फोन खरीद लेते थे। लोग भी चाइनीज माल के चकाचौंध में आकर उसके अच्छे फीचर्स को देखकर चाइनीज फोन खरीद लेते थे, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि चाइनीज वस्तुओं से नुकसान भी हो सकता है। इस काम से बादल का जीवन बहुत ही आरामदायक हो चुका था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन गांव में रहने वाले चौरसिया अपनी पत्नी से बादल की दुकान से लिए चाइनीज मोबाइल फोन से बात कर रहा था। चौरसिया ने अपनी पत्नी से बात करने के बाद फोन को एक मेज पर रख दिया। उसके कुछ सेकंड बाद ही उस फोन में एक छोटा सा धमाका हुआ और ऐसे ही गांव में आए दिन मोबाइल फोन से हुई दुर्घटनाओं की खबरें आने लगी। गाँव के सभी लोग मिलकर गाँव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी, अगर मैंने फोन अपने हाथ से नीचे ना रखा होता तो फोन मेरे हाथ में ही फट जाता। मेरी समस्या कुछ अलग है मुखिया जी, सभी लोग चाइनीज वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं और साथ ही चाइनीज खाने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपने बाहर के लोगों को इस गांव में आकर व्यापार करने की इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से जिन लोगों की आंखें नहीं खुलती वो अपनी जेब में पैसा भरते हैं। जगह जगह पर ठेले लगाकर चाइनीज मोमोज, चाइनीज चौमिन जैसे घटिया क्वालिटी वाली खाने की चीजें बेचते हैं। ऐसे में हम आम ठेले वाले जो स्वस्थ खाना घर पर बनाते हैं, उस खाने की ओर तो कोई देखता ही नहीं है। हम अपनी रोजी रोटी कहाँ से चलाएं? मुखिया सभी लोगों को अपना फैसला सुनाने के लिए दो दिन की मांग करता है। आप सभी गाँव वालों की तकलीफ मैं समझ रहा हूँ, आप लोग बस मुझे दो दिन दीजिए। ठीक दो दिन बाद इसी समय दोबारा से बैठक की जाएगी। इसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। गांव का मुखिया बादल शर्मा को अपनी हवेली पर बुलाता है। बादल शर्मा मुखिया के सामने जाकर कहता है, कहिए मुखिया जी, कैसे याद किया? देखो भाई बादल, हमारा तुमसे कोई आपसी बैर तो नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी चाइनीज मोबाइल की दुकान बंद कर दो। इस पूरे गांव में तुम्हारा ही एक ऐसा धंधा है जो कभी नहीं रुकता। मानता हूँ इससे तुम्हारी थोड़ी आर्थिक हालत खराब हो जाएगी, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें 15,000 देने को तैयार हूँ। ऐसा ना कहिए मुखिया जी, सिर्फ 15,000 में मैं कितने दिन खाऊंगा और क्या अपने परिवार को खिलाऊंगा? मेरी दुकान बंद करने की क्या नौबत आन पड़ी? तब मुखिया बादल को चाइनीज वस्तुओं के विरोध में सारी बात समझाता है। सारी बात समझने के बाद बादल के पास अपनी दुकान बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। बादल मुखिया से 15,000 रुपए लेकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन अपने मोबाइल की दुकान बंद कर देता है। गांव के लोग भी अपने अपने घरों से सारा चाइनीज सामान बाहर फेंक देते हैं। एक तरफ तो ये अच्छी बात थी कि लोगों के मन में स्वदेशी वस्तुओं की भावना उत्पन्न हुई, लेकिन इससे बादल जैसे कई लोगों का रोजगार रुक गया। कुछ दिन तक तो बादल और उसके परिवार को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही परेशानियों का सिलसिला शुरू हुआ। सुनिए जी, आप कोई नया काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? अभी सोना के स्कूल की फीस भी देनी है, घर में राशन खत्म होने वाला है, राशन भी भरवाना है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हें क्या लग रहा है निशा कि मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठा हूँ? पिछले कई दिनों से मैं काम की तलाश में पूरा गांव घूमा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी काम ना मिला। और नया रोजगार शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, अभी तो ठीक से हमारा पेट ही नहीं भर रहा, तो मैं नया व्यापार क्या शुरू करूँ? दो दिनों बाद उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है, घर में एक भी रुपए ना बचा, इसलिए अब बादल को मजबूरन कर्जा और उधारी लेनी पड़ी। दूध वाले, सब्जी वाले, दुकान वाले, वो सबसे उधारी पर सामान खरीदने लगा। कई दिनों तक पैसे ना देने की वजह से सभी लोग रोजाना बादल के घर के बाहर आकर उसे बेइज्जत किया करते थे। अरे बादल, इतने दिनों फ्री फंड का दूध पिया है, उसके पैसे कौन तुम्हारे पिताजी भरेंगे क्या? ये सुन सब्जी वाली भी वहाँ आकर उससे कहने लगी, क्या कहा, इसने तुमसे भी उधारी ली है? भाभी जी रोज मुझसे सुबह सुबह ताजे ताजे सब्जी खरीदती है, लेकिन जिस दिनों पैसों की बात कर दो उस दिन मुंह बन जाता है सबका। ये सब सुनकर निशा अपने घर से बाहर आकर उनसे कहती है, देखिए मेरे पति को जल्द ही काम मिलने वाला है, वो तुम सबका पैसा चुका देंगे और आप लोग जरा तमीज से बात कीजिए, फ्री में सामान नहीं लेते आपसे, या आप लोगों ने वो सारा उधार बख्श नहीं दिया? दूध वाला कहता है, इज्जत भी समय पर पैसे देने वालों की जाती है, जो पिछले 4 महीनों से उधारी का खा रहे हो उनकी क्या इज्जत की जाए? चलो सब लोग, आज भी पैसे नहीं मिलने वाले किसी को। ये सब सुनकर निशा का मन बहुत उदास हो जाता है। वो बादल से कहती है,
सुनिए जी, ये सब कैसे चलेगा? पिछले एक महीने से हमारी बेटी स्कूल नहीं जा रही क्योंकि उसके स्कूल की फीस भरने के हमारे पास पैसे नहीं हैं। और अब तो दूध वाले, सब्जी वाली सब आकर घर के बाहर तमाशा करने लगे हैं। बस कुछ दिन और निशा, मैं सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक कर देंगे, लेकिन कब? कुछ दिन और, कुछ दिन और, ये तो मैं कब से सुनती आ रही हूँ। देखिए, अगर आपसे काम धंधा नहीं होता तो आप मुझे कह दीजिए, मैं घर पर सिलाई का काम शुरू करने को तैयार हूँ। अगर तुमने सिलाई का काम शुरू कर दिया तो घर कौन संभालेगा? औरत घर की नींव होती है, अगर औरत घर में समय नहीं देगी तो वो घर टूट जाएगा। इस गांव में तो काम मिलने से रहा, मैं आज ही जाकर पड़ोसी वाले गांव में काम ढूंढ कर आता हूँ। ये कहने के बाद बादल दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। भरी दोपहर ही पूरा गांव छान मारने के बाद भी बादल को अपने लायक कोई काम नहीं मिला। मजदूरी कर कर भी केवल एक दिन के 200 रुपए ही मिल रहे थे। 200 रुपए में क्या होगा, ये सोचकर बादल पड़ोसी गांव का ये काम भी छोड़ आता है। घर आते समय थकान के कारण वो जंगल का छोटा रास्ता अपनाता है। चलते चलते वो बहुत थक जाता है, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बादल उस पेड़ को देखकर कहता है, अरे बाप रे, ये कैसा पेड़ है भला? इस पेड़ पर तो एक भी पत्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पेड़ इतना बेजान क्यों है? कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम करने के बाद बादल कहता है, अंधेरा होने वाला है, अब मैं घर की ओर निकलता हूँ। बादल खड़ा होकर जा ही रहा होता है, इतने में ही उस पेड़ से एक आवाज आती है, इस जंगल के सभी पेड़ मुझे दुत्कारते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मेरे बेजान होने के बावजूद तुमने मेरी पनाह में आराम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बादल आश्चर्यचकित होकर वो आवाज़ गौर से सुन रहा था। बादल कहता है, पेड़, क्या ये तुम्हारी आवाज है? नहीं नहीं, कोई पेड़ कैसे बोल सकता है, मुझे तो लगता है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसके बाद वो पेड़ कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम वही करो जो मैं कहता हूँ, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। मेरे नीचे एक पौधा उग रहा है, उस पौधे को जड़ समेत उखाड़ कर अपने आंगन में लगा दो और उसकी देखभाल करो। जितना प्यार तुम उस पौधे को दोगे उतना प्यार वो तुम्हें देगा। वैसे तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है, अपनी तसल्ली के लिए ही सही। उसके बाद बादल पेड़ के नीचे उग रही उस पौधे को जड़ से उखाड़ लेता है और अपने घर जाकर उसे आंगन में लगा देता है। पौधा लगाते समय वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, अरे सुनती हो, जरा बाहर तो आना। आवाज़ सुनकर निशा भी घर से बाहर निकलती है। वो बादल को पौधा लगाते देख उससे कहती है, क्या आपको नौकरी मिल गई? अरे ये पौधा, इसकी क्या जरूरत थी? पौधा तो मैंने लगा दिया, अब तुम जल्दी से अंदर से पानी लेकर आओ, इस पौधे को प्यास लगी होगी। बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं आप, जैसे कि इस पौधे में जान हो, ये अभी बोल पड़ेगा। ये बोलती हुई निशा अंदर से पानी लेकर आती है। बादल उस पौधे पर पानी डालता है और अपने घर में चला जाता है। अगली सुबह बादल उस पौधे को फिर से पानी डालने आता है। उसके बाद वो देखता है कि वो पौधा अब पौधा नहीं रहा, बल्कि एक विशालकाय पेड़ में परिवर्तित हो चुका था। ये देखकर बादल की आंखें खुली की खुली रह गई। वो फौरन अपनी पत्नी और अपनी बेटी को आवाज लगाता है, निशा, सोना बेटा, जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह आफत मचा रखी है? सुबह सुबह क्या हो गया पिताजी? ये बोलते हुए दोनों घर से बाहर आते हैं। वो दोनों भी पेड़ को देखते ही रह जाते हैं। तुम दोनों भी हैरान रह गए ना, कल ही तो मैंने इस पौधे को पानी दिया था और आज ये पौधा इतने बड़े पेड़ में परिवर्तित हो गया। इतने में ही उस पेड़ से आवाज़ आने लगती है, बादल, आज मुझे पानी नहीं पिलाओगे, मुझे प्यास लगी है। ये सुनते ही बादल पेड़ को पानी पिलाता है। उसके बाद पेड़ कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से पालोगे, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पेड़ भाई, तुम्हें तो पता ही है। नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता होगा, मैं बताता हूँ। मेरी अच्छी खासी मोबाइल शॉप थी, लेकिन चाइनीज फोन से हो रही समस्याओं के कारण मेरी वो दुकान भी बंद हो गई। अब मेरे पास रोजी रोटी का कोई साधन ना बचा, तुम ही बताओ क्या किया जाए। ये सुनते ही वो पेड़ सबको अपनी आंखें बंद करने को कहता है। सोना, निशा और बादल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो तीनों जब अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उस पेड़ पर बहुत सारे मोबाइल फोन लटके हुए हैं। अब तो मैंने तुम्हारी समस्याएं सुलझा दी ना, अब तुम्हें आजीवन बाहरी राज्यों से मोबाइल एक्सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बादल अपनी पत्नी और बेटी से कहता है, तुम दोनों खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जल्दी जल्दी सारे मोबाइल फोन्स को पेड़ से उतारने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ, चलिए चलिए, फोन उतारते हैं।
तीनों मिलकर सारे मोबाइल फोन्स को पेड़ से उतार लेते हैं। सभी मोबाइल फोन्स को इकट्ठा कर बादल अपने पहली वाली दुकान में जाकर सजा देता है। उसकी दुकान खुली हुई देखकर गांव वाले उससे आकर कहते हैं, मुखिया के कहने के बावजूद भी तुमने फिर से चाइनीज फोन बेचना शुरू कर दिया। हाँ, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। तभी बादल सबको समझाता हुआ कहता है, नहीं नहीं भाइयों, ये कोई चाइनीज फोन नहीं है, बल्कि ये हमारे गांव का ही फोन है। देखो भाई, ये लोग कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। बादल सभी गांव वालों को यकीन दिलाने के लिए सबको अपने घर के आंगन में ले जाता है और कहता है, देखिए मैं सच कह रहा हूँ, इस पेड़ पर मोबाइल फोन उगते हैं, तो हुए ना ये मोबाइल फोन हमारे ही गांव के। इस फोन में बाहरी देशों के फोन के मुकाबले अच्छे गुण हैं। यकीन ना हो तो एक बार फ्री में ट्रायल लेकर देख लीजिए। बादल की बात मानकर सभी गांव वाले बादल की दुकान से फोन खरीद लेते हैं। फोन अच्छी गुणवत्ता वाले थे, इसलिए बादल की दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी चल रही थी। अब बादल दूध वाले, सब्जी वाली और दुकान वाले सभी से ली हुई उधारी को चुका देता है। बादल और उसके परिवार की जिंदगी फिर से पहले की तरह सुकून भरी बीतने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है दो जादुई लिपस्टिक की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। एक गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। सपना बहुत ही होनार और सच्चे दिल की लड़की थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग काला था। सपना बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। सपना की माँ मंदिर के आगे फूल बेचकर उसी से अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। कुछ दिनों बाद सपना की माँ भी उसको छोड़कर चली गई। अब सपना अनाथ हो चुकी थी। अपना खुद का पेट पालने के लिए वो मंदिर के आगे फूल बेचा करती थी। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे बेटा, मुझे 50 रुपए के फूल दे दो, और हाँ, एकदम फ्रेश फूल देना। जी, लीजिए। दोपहर तक सपना के सारे फूल बिक जाया करते थे। सपना को फूल बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से सपना घर चलाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सपना जिस बगीचे से फूल तोड़कर लाया करती थी, उस बगीचे के मालिक ने सपना को फूल देने से मना कर दिया। ऐसा मत कीजिए मालिक, यहाँ के अलावा मैं फूल कहाँ से लाऊंगी, और अगर मैंने फूल नहीं बेचे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। देख सपना, मैं ये बगीचा बेच रहा हूँ, और जिन्होंने इस बगीचे को खरीदा है वो यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। जितने दिनों तक ये बगीचा मेरा था, मैंने तुझे फूल तोड़ने के लिए कभी मना नहीं किया। सपना उदास होकर घर लौट आई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। इतना सोचने के बाद सपना अपनी दोस्त चंदा के पास मदद मांगने के लिए जाती है। सपना जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक पर्स दिखा। उसने पर्स को उठाकर देखा तो उसमें दो चमचमाती हुई अलग अलग कलर की लिपस्टिक थी। सपना ने थोड़ी देर इधर उधर देखा कि अगर ये किसी की होगी तो वो इसे ले जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो सपना उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद सपना ने जब उस पर्स को खोला तो सपना को एक आवाज आई। सपना, तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? सामने आओ। सपना, मैं तुम्हारे पिता की आत्मा हूँ, और ये दोनों जादुई लिपस्टिक मैंने ही तुम्हें दिए हैं। इस पर्स में दो लिपस्टिक हैं, जिनमें से एक लिपस्टिक ऐसी है जिससे लगाने के बाद तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वही दूसरी लिपस्टिक ऐसी है जिसे लगाने के बाद कोई भी इंसान बहुत ही बदसूरत हो जाएगा, और जो भी मांगेगा उसे उसका उल्टा मिलेगा। इतना कहने के बाद सपना के पिता की आत्मा गायब हो जाती है। सपना वो वाली लिपस्टिक लगाती है जिसे लगाने के बाद वो जो भी मांगेगी उसे मिल जाएगा। लिपस्टिक लगाते ही सपना बहुत खूबसूरत हो जाती है। सपना अपने आप को आईने में देखती है और बहुत खुश होती है। उसे अपने पिता की आत्मा की कही हुई बात याद आती है। फिर वो बोलती है, काश मेरे घर में खाने की बहुत सारी चीजें होती। सपना के इतना कहते ही उसका पूरा घर खाने की चीजों से भर जाता है। फिर सपना कहती है, काश कि मेरा घर बहुत बड़ा हो जाता। अब सपना का घर भी एक बहुत बड़े मकान में बदल जाता है। सपना बहुत खुश होती है और वो बाहर जाकर सभी गरीबों की मदद भी करती है। जिसको जिस चीज की जरूरत होती थी, सपना अपनी जादू लिपस्टिक लगाकर उस चीज को मानती थी और वो उसे मिल जाती थी। उसके बाद सपना उस चीज को जरूरतमंद इंसान को दे देती थी।
पूरे गांव में सपना की प्रशंसा होने लगी थी। सभी सपना को बहुत मानते थे और उसे गांव का मुखिया भी बना दिया गया था। ये सब देखकर सपना की सहेली चंदा सपना से बहुत जलने लगी थी। वो सोचती है, कल तक तो इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, आज महारानी गांव की मुखिया बन गई है। आखिर ऐसा क्या लग गया इसके हाथों में? मैं एक काम करती हूँ, इसका ना पीछा करती हूँ। चंदा सपना का पीछा करने लगती है। घर जाने के बाद सपना जादुई लिपस्टिक को लगाकर कुछ मांगती है। चंदा ये सब देखकर सब कुछ समझ जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब इस जादुई लिपस्टिक के कारण हो रहा है। एक दिन जब सपना अपने घर में नहीं थी तो चंदा उसके घर जाती है और हर जगह वो जादुई लिपस्टिक ढूंढती है। चंदा को सपना के घर में दूसरी लिपस्टिक मिल जाती है, जिसे लगाने के बाद कोई भी बदसूरत हो जाता और वो जो मांगता उसे उसका उल्टा मिलता। लेकिन चंदा को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो लिपस्टिक लेकर बहुत खुश होती है। अब इसे लगाकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। चंदा उस लिपस्टिक को अपने घर ले जाती है। वो बहुत खुश थी। उसने लिपस्टिक जैसे ही अपने होठों पर लगाई, चंदा बहुत बदसूरत हो गई। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं इतनी बुरी कैसे दिखने लगी? कोई बात नहीं, मैं अब जो भी बोलूंगी अब वही तो होगा ना। चंदा ये सोचकर एक बार फिर खुश हो जाती है और एक ही बार में बहुत सारी बातें बोलने लगती है। मैं बहुत ही सुंदर हो जाऊं, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए और सपना बहुत गरीब हो जाए, मैं गांव की मुखिया बन जाऊं, पूरा गांव बस मेरी ही तारीफ करे। चंदा ने जो भी बोला सब उसका उल्टा होता गया। चंदा और भी ज्यादा बदसूरत हो गई और उसका घर संपत्ति सब खत्म हो गया और गांव में सभी चंदा की बुराइयां करने लगे। ये सब देखकर चंदा बहुत घबरा गई। अरे, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? चंदा रोते हुए सपना के पास गई और उसने सपना को सारी बात बताई। सपना ने उससे कहा, चंदा मेरे पास तो लिपस्टिक थी, एक ऐसी जिसे लगाने के बाद कोई भी इंसान सुंदर हो जाए और वो जो भी मांगेगा उसे वो मिल जाएगा, और वही दूसरी लिपस्टिक ऐसी थी जिसे लगाने के बाद कोई भी बहुत बदसूरत हो जाएगा और वो जो भी मांगेगा उसे उसका उल्टा मिलेगा। तुमने मेरी वो वाली लिपस्टिक चुरा ली जिसे लगाने के बाद सब उल्टा हो जाता है। तुमने लालच किया और चोरी भी, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। चंदा उदास होकर अपने घर चली गई, क्योंकि उसने गलती की थी, इसलिए उसको उसकी गलती की सजा भी मिली। तो देखा दोस्तों आपने, लालच करना एक बुरी आदत होती है जिससे हमें हमेशा नुकसान ही होता है, तो हमें सदैव लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे जोरा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।